स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप सभी को गुड मॉर्निंग है। तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, सेमिया की नाश्ता अपने वास्ते बन के आ गया है, नाश्ता कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कल ड्यूटी को जा रहा हूँ था, एक ऑटो वाले भैया ने उन्होंने मतलब वो बैंड बजाने वाले थे, वो ऑटो में पूरा उनका टीम जा रहा था बैंड्स वगैरह लेके। मैं टोली चौकी के रास्ते से जा रहा हूँ तो उन्होंने लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ तो उन्होंने ऑटो वाले ने लेफ्ट साइड दबा दे रहे होना बोल के। उसमें ऑलरेडी एक पर्सन सामने एक्स्ट्रा बैठे हुए थे, उन्होंने बता रहे कि साइड से सरदार जी आ रहे, आप थोड़ा साइड दे दीजिए बोल के। उनको इशारा कर रहे तो भी उन्होंने होना बोल के लेफ्ट साइड दबा दे रहे थे। चलो जाने दो, उससे अपन क्या बहस करेंगे बोले। जैसा मैं राइट साइड से जा रहा था तो राइट साइड से भी उन्होंने उसी तरह विवेक करे, उन्होंने राइट साइड भी होना बोल के दबा रहे। तो एक है देखो फ्रेंड्स, अपन किधर भी जाते तो थोड़े लोग होना बोल के इसी तरह छेड़ने की कोशिश करते। तो अगर कुछ वो गलत है बोल के कोई सरदार जी अगर ये गलत है आप ऐसा काई को कर रहे बोल के उनको रोक के बोलने से वो बात उनको गलत दिखता है कि मतलब सरदार जी ने कुछ बोल दिया है, इनको कुछ कह दिया है, इन्होंने सरदार जी ने मार दिया है, इस तरह मतलब बात गलत बताते रहते। तो मैं बोलने का मतलब क्या है बोले तो आप किधर भी जा रहे तो या ऑटो ड्राइवर्स होने दो, कार ड्राइवर्स होने दो, किसी तरह के भी ड्राइवर्स होने दो, इस तरह आप लोग मत करिए फ्रेंड्स। कहीं को बोले तो एक इंसान गलती करने से वो पूरा टीम को गलत देखा जाता। एक ऑटो वाले ने गलती करे तो पूरे ऑटो टीम को ये ऑटो वाले गलत है बोल के बोला जाता। एक अगर कार वाले गलती कर दे तो पूरे कार वालों को, ड्राइवर्स को वो नाम खराब होता, पूरे टीम को बोलना पड़ता। वो तो एक जनों गलती करता लेकिन वो नाम खराब जो होता पूरा टीम को वो नाम खराब होना पड़ता। तो इस तरह आप लोग मत करिए। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं उनको साइड में जाके बोला कि भाई आप ना लेफ्ट से साइड दे रहे ना राइट साइड से साइड दे रहे, किधर से जाऊँ मैं। थोड़ा हुए तो आप लोग मेरे को गाड़ी को लगा देते थे, मैं गिरने के चांसेस रहते थे बोल के बताए थे भी। उन्होंने थोड़ा अलग से इशारियाँ कर रहे थे। तो देखो अपने को ऐसे हरकत करके कोई भी रोड के ऊपर जब छेड़ने को देखता तो अपने को गुस्सा तो आता ही। देखो एक बात है, सरदार जी ने मतलब किसी को पहली बात छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़े तो खामोश तो असल नहीं बैठेंगे। लेकिन मेरे को बचपने से इतना गुस्सा है कि मेरा भी तरीका ये है, मेरे को अगर कोई अगले वाला छेड़े तो मैं उसी को छोड़ता नहीं। मैं किसके जिगर को नहीं जाता कि अपन होना बोल के छेड़े जैसा। तो इस तरह मैं बहुत वक्त देखा। एक बार मैं ड्यूटी से घर को रिटर्न आ रहा था, एक बंदा ने, एक मुस्लिम लड़का था, तो उन्होंने क्या करा, एक लेफ्ट साइड में एक ट्रक जा रहा, राइट साइड में एक कार जा रहा था, मैं उनके पीछे से जा रहा हूँ तो मेरे पीछे से आके उन्होंने कम्प्लीटली मेरे को राइट साइड उन्होंने दबा दिया, कट मार के उन्होंने जा रहे थे। तो मैं थोड़ा खामोश रह गया। फिर आगे जाके देखो जब मेरा गलती च नहीं है तो मैं कहीं को मानूँ, मैं भी गया उसी तरह उसको भी कट मारा। तो फिर उन्होंने आके फिर कट करने की कोशिश करे कि उन्होंने कट मारने की, लेफ्ट साइड में कार जा रहा था उन्होंने फिर राइट साइड से आके इसी तरह कट मार रहे थे। तो मैं बोला कि अरे भाई तुम किधर देख के चला रहे, पहले कट मारे वो हो गया फिर कहीं को ऐसा कर रहे बोल तो तुम भी कट मारे ना बोल के इस तरह उन्होंने भैंस करने लगा था। उम्र में बहुत छोटा बच्चा था लेकिन बात करने की उसी के पास तमीज़ नहीं थी, तो तुम भी तो कट मारे ना बोल के ऐसा ऐसा बता रहे थे उन्होंने। तो देखो दोस्तों मैं पहली बात सरदार जी कोई भी
रहने दो, किसी के छेड़ी को पहली बात जाते नहीं, अगर इसी तरह कोई भी छेड़ेगा तो खामोश तो नहीं बैठेंगे। आप किधर भी वीडियोस में आप देख सकते, पहले अगले वाले छेड़ते तो सरदार जी गुस्से में आ जाते, तो अपन कुछ भी बोल दिए तो ये सरदार जी ने गलत बोल दिया, उन्होंने मार दिया, ऐसा बोल के बताते, ये गलत आपका सोच है। तो मैं बताने का मतलब क्या है, ऑटो वाले होने दो, कार ड्राइवर्स होने दो, किसी के तरह के ड्राइवर्स होने दो, तो इस तरह मत करिए भाई। आपको ऑटो को मिरर्स थे, राइट हैंड लेफ्ट में भी मिरर्स थे, मिरर्स रहते को भी आप बिना देख के गाड़ी जैसा बोले ऐसा चला रहे, और साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी बता रहे तो भी आप लोग मतलब देख के भी नज़रअंदाज कर दे रहे थे। अगर मैं राइट साइड में आ रहा तो फिर राइट साइड में दबा दे रहे थे, अगर मैं गाड़ी रोक के अगर एक थप्पड़ भी पड़ मार देंगा, मैं तुम्हारे से झगड़ा कर लेंगा तो कैसा दिखता, तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं होता। लेकिन अरे एक सरदार जी ने रोड के ऊपर रोक के एक ऑटो वाले को मारा था, बोले ऐसा, वो सरदार जी के ऊपर उंगली उठाते, तो भाई किसी भी तरह के ड्राइवर्स होने दो, थोड़ा देख समझ के गाड़ी चलाना, और साथ साथ पूरे टीम को नाम खराब हुए जैसा नको करो। ऑटो ड्राइवर्स को भी होने दो, कार ड्राइवर्स को भी होने दो, किसी भी तरह के ड्राइवर्स को मैं बता रहा हूँ, मैं भी कार चलाता हूँ तो मेरे को मालूम है वो कैसा रहता। सो किसी को भी अपनी तकलीफ़ नहीं देना, तो अच्छा ड्राइविंग करो, अच्छा सेफली घर को जाना बोल के चाहता हूँ। तो ऑटो ड्राइवर्स भाइयाँ, अगर आपको कुछ गलत लगा तो या इस तरह के ड्राइवर हम पूरे टीम को नाम बदनाम कर देते हैं, तो आप देखिए, देख समझ के चलाइए। एक ज़माने के ड्राइवर्स अलग थे, बुज़ुर्ग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, उन्हों अच्छी तरह चलाना, उनके ऑटो को कैसा मेंटेन करना वो मालूम है। अब जो जितने भी यूथ आ रहे उन लोगों को खाली रेजिंग जैसा ऑटोओं को भी चला रहे, मैं देखते रहता हूँ। कस्टमर अगर पैसेंजर ऑटो में बैठे हुए रहता, साउंड बॉक्स ज़्यादा ज़्यादा लगा देते, कभी इमरजेंसी कॉल आ जाता, बात करेंगे बोले तो भी। मैं एक बार मैं रहमत नगर पर रहता था, मैं अप एंड डाउन करने का फिल्म नगर आना जाना होता था मेरा ज़्यादातर, तो मेरे को कॉल आ गया, भाई थोड़ा साउंड कम करो बोले तो, उन्होंने बोल रहे कि भाई आपको बैठना है तो बैठ सकते, नहीं तो उतर जा सकते, ऐसा बोलने वाले भी है आज के ज़माने में। तो इससे पहले जो बड़े लोग रहते थे ऑटो चलाने वाले, उन्होंने बहुत ही रेस्पेक्ट ऑटो ड्राइवर साहब ऐसा करके बुलाते थे पहले के ज़माने में, कार ड्राइवर साहब बोल के ऐसा बुलाते थे। लेकिन थोड़े जनों के हरकतों के वजह से ऐसा सोप की नाम ख़राब हो रही, तो इस तरह आप नाम ख़राब हुए जैसा नको करो। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लास्ट में बेल आइकन रहेगा उसको क्लिक करिए फ्रेंड्स।